नगरी प्रशासन मंत्री माया सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। माया जी, स्मार्ट सिटी को लेकर काफी जो है लोगों में उत्सुकता है, किस तरह का स्वरूप होगा, अब क्या कुछ बनता नजर आ रहा है, और अब आप क्या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्मार्ट सिटी है वो किस स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहा है? मध्य प्रदेश में हमारी, आपको जानकारी भी है कि हमारी पहले 3 शहर जो हैं इसमें शामिल हुए थे और उसके बाद 2 शहर और शामिल हुए, पर हम आशान्वित हैं कि हमारी 2 और सिटी इसमें शामिल हो जाएंगी आगे, सतना और सागर। अभी उज्जैन और ग्वालियर 2nd चरण में शामिल हुआ, तो इसलिए ये कुल मिलाकर 7 शहर मध्य प्रदेश के, ये मतलब पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी में शामिल होने वाले शहरों में मध्य प्रदेश है। और इसमें हमने SPV सब जगह बना दी गई हैं और सारी कंसल्टेंट नियुक्त हो गए हैं, और उसमें से जितने भी सारे DPR वगैरह तैयार करना और उसके काम के लिए उसकी राशि, पहले चरण की राशि भी रिलीज़ कर दी है। और स्मार्ट सिटी हम 2 तरह से बनाएंगे, एक तो नया एरिया चिन्हित करके और उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ना और वो सारी सुविधाएं देना, उससे 2 फायदे हैं, एक तो हमारे युवा और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे और दूसरा रोज़गार के अवसर भी उन लोगों के लिए उसमें बढ़ेंगे। और एक यह है कि जो शहर ऑलरेडी वहाँ है हेरिटेज के हिसाब से या उससे, तो रेट्रोफिटिंग्स के तहत वो हम उस शहर को डेवलप करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, लोग वहाँ बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार की तलाश में, बच्चों की पढ़ाई की तलाश में आते हैं, और उस दृष्टि से और युवाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आज के जो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हमने उनके साथ कदम ताल करके भी चलना है और अपने क्षेत्र का विकास भी करना है, तो इस दृष्टि से काम चल रहा है। उसके लिए बजट की, पैसे की कोई कमी नहीं मध्य प्रदेश में, सारी प्लानिंग हो गई है। और इसके अलावा भी शहर के विकासों के लिए स्मार्ट सिटी के इतर जो शहर अभी चिन्हित हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वहाँ तो योजनाबद्ध तरीके से उसके विकास के लिए काम होगा, और उसमें 3 तरीके से हमें केंद्र सरकार से का इसमें बजट उनसे प्राप्त होगा, और स्टेट गवर्नमेंट से, और कुछ राशि जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनकी भी कुछ प्रतिशत अंश उनका भी रहेगा। लेकिन जो शहर इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, शामिल नहीं हो पाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया, 1800 करोड़ का बजट का उन्होंने प्रावधान किया है, और सब शहरों के विकास के लिए वहाँ कोई नहीं हुई, तो वहाँ पर अमृत के तहत भी सीवरेज के काम हैं, वाटर सप्लाई के काम हैं, ग्रीन स्पेस के काम हैं, और वो स्मार्ट परिवहन व्यवस्था है उसके लिए भी है, और साइकिलिंग का, मोटरसाइकिलिंग का और साइकिलिंग का इनका है, तो ये सारी चीज़ें भी दूसरे शहरों में भी विकास के काम होंगे। जी, तो कहने की एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि न केवल वो शहर जिन्हें चिन्हित कर लिया गया स्मार्ट सिटी में, बल्कि वो शहर भी उनका भी विकास वैसे ही होगा जैसे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया। 1800 करोड़ रुपए का बजट इस बार किया गया है, प्रावधान किया गया, निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है। और देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की इस पहल का कितना असर होता है, कितना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तेजी से क्रियान्वयन होने की यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।